तो गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज इन क्रिएट मोड, जहां पर हम कोई भी चीज बना सकते हैं। इस मोड के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक गेट, ऑटोमेटिक फार्म, ऑटोमेटिक मशीन्स और चलती फिरती ट्रेन। तो गाइस देखते हैं एक आर्ट का स्टूडेंट क्रिएट मोड के अंदर क्या क्या कर सकता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस वर्ल्ड सनरेट करते ही मैं स्पॉन होता हूँ बर्फ के बीसों बीस आइस बायोम में। बताओ, एक तो सर्दी हो गई है और ये मुझे बर्फ वाली जगह पे स्पॉन कर रहे हैं। एनीवे गाइस, तो आइस बायोम के अंदर स्पॉन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक व्हेल मछली का पानी के अंदर डूब के मरना बड़ी बात जरूर है। तो गाइस एज यू थॉट मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लग रही होगी, और इसका एक ही रीजन है जो की है बदलता वातावरण, क्योंकि मुझे हो गई है सर्दी। बट कोई ना, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, हमें तो है अपने टाइम पे वीडियो अपलोड करनी। तो इन प्यारे एनिमल के साथ हमारा ब्रांड न्यू ओपी बिल्ड वाला एडवेंचर शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने माइनक्राफ्ट का बेसिक काम किया, यानी कि लकड़ियां काटना, क्योंकि इसके बिना माइनक्राफ्ट का तीन का भी नहीं बनता। लकड़ियां कटते ही मैंने माइनक्राफ्ट का मोस्ट वैल्यूएबल टूल बनाया, यानी कि वुडन पिकेक्स। तो पिकेक्स बना के जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, वैसे मुझे दिखता है अद्भुत, अविस्मरणीय, आंखें सौंधिया देने वाला नजारा। तो नजारे का आनंद लेते लेते मैं केव के अंदर गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही अंधेरा होने की वजह से मैंने यहाँ से कल्टी मारना ही ठीक समझा। आगे मैंने थोड़े कॉल माइन किए, एक लोता कॉल माइन किया। लकीली इसके थोड़े पास में ही मुझे और कॉल दिख गए, जहाँ पर ठीक ठाक कॉल्स थे। तो कॉल को माइन करते करते रात हो गई, और साथ ही में मुझे भूख भी लग गई। तो खाने के बेहतरीन सोर्स के तौर पे मुझे एक ज़ॉम्बी दिखता है, वो भी फुल आर्मर और अपने हाथ में लोहे का फावड़ा लिए हुए। मतलब कि मुझसे ज्यादा अमीर तो ये ज़ॉम्बी है। बट कोई ना, क्योंकि इस ज़ॉम्बी को मारकर मुझे खाने को रोटन फ्लेश और पहनने को लेदर के बूट्स मिल गए। तो ज़ॉम्बी को मार के जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, वैसे मुझे दिखती है तीन भेड़े, यानी कि मेरे खाने और सोने दोनों का ही बंदोबस्त होने वाला था। लेकिन इस बड़े से गोल को अचीव करने से पहले मुझे एक चुनौती पार करनी पड़ेगी, जो कि इस मकड़ी को मारना। एंड जैसे कि आपने देखा, मैंने इस मकड़ी को बड़ी ही बहादुरी से मार दिया। तो गाइस जैसे मैं अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए गया, वैसे मेरे पास में आता है क्रीपर, और उससे बचने के चक्कर में मेरे पीछे पड़ जाता है ज़ॉम्बी का बच्चा, और उससे बचते बचते भागते भागते मेरे ऊपर होता है स्केलेटन का अटैक। यानी कि गाइस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस 3-in-1 अटैक के अंदर माइनक्राफ्ट फॉलो की सोची समझी साल थी। ओके, तो इतने बड़े मेसअप के बाद मैंने स्पीड रन किया और सारी भेड़ों को मार के एक कोने में जाके चुप गया। तो गाइस हम यहाँ पर जीत गए हैं माइनक्राफ्ट वर्सेस प्रो प्लेयर की फाइट। आगे बेड क्राफ्ट करके मैं आराम की नींद सो गया। तो अगला दिन होते ही मैंने हमारे टूल्स को स्टोन के टूल्स के अंदर अपडेट किया और निकल पड़ा शिकार पे। तो हमारा पहला शिकार था पिगी, लेकिन इसके साथ उसका बच्चा था, तो मैंने इसको नहीं मारा। लकीली थोड़ी पास में और जानवर थे, जिनको मार के मैंने खाना इकट्ठा किया। तो खाने का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन अब मैं इन बर्फ के गोलों को देखकर पक गया हूँ। इसीलिए मैंने फटाफट से एक बोट बनाई और उसके ऊपर ड्रिफ्टिंग करवाते हुए प्लेन बायोम की तलाश में निकल पड़ा। तो 3 दिनों की ट्रैवलिंग के बाद मैंने फाइनली ढूंढ लिया इस खूबसूरत जगह को। टू बी ऑनेस्ट गाइस, माइनक्राफ्ट 1.18 के अपडेट के अंदर सबसे ओपी चीज है माउंटेन्स एंड क्लिप्स। एनीवे, तो आगे मैं आ गया एक केव के अंदर, और यहाँ पर आकर मैंने माइन किया एंडेसाइट। लिटरली गाइस, मैंने आज तक जानबूझकर एंडेसाइट की माइनिंग कभी नहीं की, लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ अलग बात है, क्योंकि एंडेसाइट क्रिएट मोड का मेन रिसोर्सेस है, और इसके बिना क्रिएट मोड की एक भी चीज नहीं बनती। तो एंडेसाइट माइन करके मैं जहाँ पहुँचता हूँ इस बड़ी सी केव के अंदर, जहाँ पर बहुत सारा आयन था। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि आयन भी क्रिएट मोड का बेसिक रिसोर्सेस है, लेकिन ये एंडेसाइट के बाद आता है। आगे माइनिंग पूरी करके मैं जहाँ पहुँचता हूँ एक विलेज में। तो ये विलेज दिखने में बड़ा ही प्यारा था, और यहाँ पर बहुत सारा खाना, बड़े ही प्यारे प्यारे एनिमल्स थे। तो गोलम को पूछ के मैंने यहाँ से हेबल ली, और उसके बाद मैंने यहाँ के एक घर को अपने कब्जे में कर लिया। मैंने मेरे पास के सारे खाने एंड आयन को पकने के लिए रख दिया, एंड जब तक ये पक रहे थे, तब तक मैंने विलेज की आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। तो जब मैं यहाँ वहाँ देख रहा था, तभी मेरा ध्यान जाता है एक बड़ी सी खाली और परफेक्ट जगह पे, जहाँ पर हम हमारा घर बना सकते हैं। मैंने इस जगह को पास में जाके चेक किया, एंड लिटरली ये जगह हमारे लिए ही बनी थी। तो गाइस फाइनली वक्त आ गया है हमारे नए घर को बिल्ड करने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ हमारे नए पड़ोसी से। तो गाइस मिलिए मिस मगरमच्छू से, इसको
आप बढ़िया सा नाम कमेंट के अंदर दे सकते हो। कमेंट में से मुझे जो अच्छा नाम लगेगा उसे मैं अगले वीडियो के अंदर मगर का ऑफिशियली नाम घोषित करूंगा। तो अगला दिन होते ही मैंने हमारे घर के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले पानी की मदद से आसपास के घास को हटाया, उसके बाद मैंने ब्लॉक एंड वुड से रिसोर्सेज इकट्ठा करके घर को बिल्ड करना शुरू किया। तो गाइस हमारा वेरी सिंपल और वेरी क्लासिक घर तैयार है। मैंने इस बार हमारे घर को फैक्ट्री की थीम का बनाया है क्योंकि हमारा ये पूरा वीडियो बड़ी बड़ी मशीनरी के ऊपर बेस है और वैसे भी आगे जाके मैं हमारे घर को अपडेट करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो घर बनाने के बाद अब बारी है डॉक्टर आर्ट्स इंजीनियर बनने की। तो बेसिकली क्रिएट मोड की किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए हमें चाहिए होगा पावर, और आपको पता ही होगा कि पावर का मेन और पुरातन सोर्स है वाटर। तो पानी से पावर जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है वाटर व्हील, और हमें इस व्हील को सिंपली पानी के पास में रखना है एंड बूम, हमारा वाटर जनरेटर तैयार है। तो वाटर जनरेटर बनाने के बाद मैंने बनाया एक प्रेस। तो बेसिकली ये प्रेस और को दबा के उनकी शीट बनाएगा, और ये शीट आगे मशीन बिल्ड करने के यूज में आएगी। तो गाइस मैंने मैकेनिकल प्रेस को वाटर जनरेटर के साथ जोड़ दिया है, और अब हमें इसके नीचे आयन रखना है जो कि आयन इंगोट को आयन शीट के अंदर बदल देगा। तो अब जबकि हमारे पास आयन शीट आई गई है, तो मैं इसका यूज करके बना सकता हूँ मैकेनिकल सो। तो गाइस ये मैकेनिकल सो हमारे वुड कटिंग के काम को बहुत ही इजी कर देगा। हमें सिर्फ पेड़ के आगे सो लगाना है, और सो के आगे हैंडल लगा के उसको घुमाते हुए गाना है कि लाइफ गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो गाइस गाना खत्म होने के साथ ही हमारा पेड़ भी कट गया है। सो गाइस ये था क्रिएट मोड का छोटा सा नमूना। आगे जाके मैं और भी बड़े बड़े और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स बनाने वाला हूँ। तो हमारे इस सफर की शुरुआत में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक कोबलस्टोन जनरेटर। तो मैंने कोबलस्टोन को माइन करने वाला ड्रिल तो बना लिया, लेकिन मैं कोबलस्टोन को बनाने वाली मेन चीज ही भूल गया, यानी कि लावा। एंड लावा को लाने के लिए और आगे की माइनिंग के लिए मैंने एक प्रॉपर माइन बनाई। तो स्ट्रेट माइनिंग करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ ठीक बड़ी सी केव के ऊपर। मुझे मेरी एमएसजी के ऊपर विश्वास था, इसलिए मेरे पैरों तले जमीन खिसका ली, और नीचे पहुंचते मेरी पोनी हेल्थ भी खिसक ली। इसलिए कहता हूँ गाइस किसी भी बात में अभिमान मत करो। तो सारी बातों को साइड पे रखते हुए मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, यानी कि लावा को लेना, रेडस्टोन माइन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट नीले नीले समकदार डायमंड चुन चुन के इकट्ठा करना। और हाँ गाइस, मैंने यहाँ से एक नए और को भी माइन किया जिसका नाम था एज्यूरिन। मुझे नहीं पता कि ये 1.18 का नया अपडेट है या फिर कुछ और, लेकिन ये दिखने में मस्त लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो मैंने यहाँ पर सारा सेटअप कर लिया है, और अब मैं सिर्फ वाटर व्हील पे लगाना है। तो जैसे मैंने सेटअप किया वैसे ही वाटर व्हील घूमना बंद हो गया, और इसका एक ही रीजन है जो कि ये कम फोर्स के सामने ज्यादा मशीन। तो बेसिकली एकलौता वाटर व्हील बहुत ही कम पावर जनरेट करता है, और ऊपर से मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक मशीन लगाई हुई थी, इसलिए दूसरी मशीन लगाते ही इसका दबाव बढ़ गया और ये बंद हो गया। तो इस प्रॉब्लम का अब मेरे पास एक ही सोल्यूशन था, जो कि था वाटर व्हील की क्वांटिटी को बढ़ाना। लकीली मेरा ये आइडिया काम कर गया, एंड थोड़े बहुत अपडेट के बाद हमारा कोबलस्टोन जनरेटर भी बूम बाम से काम कर रहा है। तो गाइस इस जनरेटर के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, सो कि ये इसकी स्पीड, ये ड्रिल बहुत ही स्लोली कोबलस्टोन को माइन कर रहा है। बट कोई ना, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बिकॉज स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ एक दो व्हील लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मैंने हमारे वाटर व्हील के ऊपर पानी का बहाव डाल दिया है, ताकि हमारे वाटर व्हील की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। आगे मैं एक और बार माइनिंग पे गया, और इस बार माइनिंग पे जाने का मेरा मेन रीजन था डायमंड्स। आई मीन डायमंड नहीं, इस बार मैं माइनिंग पे आया था ताकि मैं इकट्ठा कर सकूं स्लाइम बॉल। तो गाइस क्रिएट मोड ने माइनक्राफ्ट की अंडररेटेड आइटम यानी कि स्लाइम बॉल को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया है, और ये रोल कौन सा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ आयरन शीट, क्योंकि अब मैं काम करने वाला हूँ हमारे अगले प्रोजेक्ट एके बिल्ड के ऊपर। तो हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा मल्टी लेवल ऑटोमेटिक फूड फार्म। तो बेसिकली इस फार्म को बनाने के लिए मैंने नई चीजों में हार्वेस्टर और इनकेस फैन बनाया, बाकी सारी चीजें सेम थी। तो अब बारी है हमारे फार्म के बेस को तैयार करने की, और इसके लिए मुझे लाइनियर सेसिस को मेन सेसिस के साथ जोड़ना होगा। इतना होने के बाद अब हमें इसके ऊपर सिंपली ग्लू लगाना है, और ग्लू का काम करेंगे स्लाइम बॉल। तो जैसा मैंने कहा, इस मोड के अंदर स्लाइम बॉल को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, और ये ठीक भी है क्योंकि इसी बहाने हमें स्लाइम बॉल को मारने का मौका मिला। ओके, तो यहाँ पर हमारा लगभग पूरा बेस तैयार है, और अब हमें सिर्फ आखिरी चीज लगानी पड़ेगी जो कि है पोर्टेबल स्टोरेज इंटरफेस। तो गाइस इसके साथ हमारा ऑटोमेटिक फूड फार्म तैयार है, आई मीन ऑटोमेटिक वेजिटेबल फूड फार्म। एंड इसकी वर्क स्टाइल, इसका एनिमेशन बोले तो सब कुछ ऑसम है, और ऊपर से इसमें जमा सारा खाना एक्सेस
पॉडकास्ट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा जो कि अल्ट्रा ऑसम है। एनीवे गाइस, तो अगर आपको पता ना हो तो बता दो कि हमारा ए फार्म अभी भी अधूरा है। तो आपको पता ही होगा कि कई लोगों ने क्रिएट मोड की वीडियो बना रखी है जिसमें उन्होंने हमारे जैसा ही सिंपल फार्म बनाया हुआ है, और इसीलिए थोड़ा अलग करने के लिए मैंने हमारे ऑटोमेटिक फार्म को मल्टी लेवल ऑटोमेटिक फार्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारा फार्म कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर हम लिटरली बहुत सारे वेजिटेबल उगा सकते हैं, और तो और अलग अलग फ्लोर का अलग अलग सामान सूट जो की एक तरीके का होपर है उसकी मदद से नीचे जमा होगा। एंड मैंने इस पूरे बेस को पावर के नए सोर्स यानी की आग से दी है। तो गाइस, लकड़ियां काट काट के मैं पक गया हूँ और इसीलिए वक्त आ गया है वुड फार्म बनाने का। लेकिन वुड फार्म बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में, क्योंकि वुड फार्म के अंदर जो भी मशीनरी यूज होगी उसको क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा कोर्स। तो नेदर में आते ही मैंने सबसे पहले अननेसेसरी चीजों को माइन किया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही मैंने अपने गोल के ऊपर फोकस किया और बहुत सारे कोर्स को माइन कर दिया। एंड वेरी इंपोर्टेंट, हमारा ये वर्ल्ड करप्ट हो गया था, इसीलिए मेरे एक्सपी कभी कभार इधर उधर हो सकती है, तो उस पे ध्यान मत देना। तो मैं आ गया हूँ घर वापस एंड हमारा वुड फार्म तैयार है। आई नो मैंने इसको बनते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इसके बनने की प्रोसेस वही सेम है जो कि फूड फार्म की थी। तो बेसिकली हमारा वुड फार्म फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ को काटता है जबकि पेड़ के सैपलिंग हमें लगाने पड़ते हैं। तो हमारे इस फार्म को ऑटोमेटिक बनाने के लिए मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा डिप्लॉयर, एंड डिप्लॉयर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ब्रास इंगट जो की बनेगा ब्लेस की मदद से, यानी कि एक और बार नेदर में जाने का वक्त आ गया है। बट उससे पहले सैंड पेपर और रोज कोर्स को घिस के मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पॉलिश रोज कोर्स। गाइस, यही तो क्रिएट मोड का मजा है, इसमें हमें सारी चीजें अपने हाथों से बनानी पड़ती है। एनीवे, तो मैं आ गया हूँ नेदर के अंदर और यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले ब्लेज रोड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो थोड़ी बहुत ब्लेज रोड इकट्ठा होने के बाद मैंने दो ब्लेज को ब्लेज केस के अंदर पकड़ लिया। आगे मैं आ गया हूँ घर वापस, और घर वापस आने के साथ ही मैंने थोड़ा बूम बाम किया। तो ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमारे घर के सामने की जगह को बड़ा करना चाहता हूँ, एंड आगे जाके मैं कई ऐसे बड़े बिल्ड बनाऊंगा जो कि प्रोबेबली यहाँ पे भी फिट नहीं होंगे। ओके, तो हमारा सारा काम पूरा हो गया है और इसको देखने के लिए एक मेहमान भी आए हैं, तो उनकी थोड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। तो आगे मैंने हमारे घर के आसपास डट की वॉल लगाई जो कि ओपी लग रही थी। तो सारा काम हो जाने के बाद मैंने आगे क्या करना है उसके बारे में सोचा और समझा। तो कई घंटे बाद मुझे समझ में आ गया कि कैसे क्या बनेगा, और आप इसे इग्नोर कर सकते हो। टू बी होनेस्ट गाइस, इस पूरे मोड के अंदर बेस को सेट करना सबसे मुश्किल है, पर जो भी हो जैसे तैसे करके दूसरा वाटर व्हील बना के मैंने यहाँ पर मैकेनिकल मिक्सर को वाटर व्हील के साथ जोड़ दिया है। एंड अब फाइनली वक्त आ गया है ब्रास इंगट बनाने का जो कि बनेगा जिंक और कॉपर इंगट के मिक्सर से। बट उससे पहले हमें यहाँ पर फनल के से पकड़ी हुई ब्लेस को रखना पड़ेगा जो कि फनल को गर्म करेगा। तो अभी तो ये ब्लेस शांत है, लेकिन जैसे ही कोल को लेके हम इसको छुएंगे वैसे ही इसके अंदर की ज्वाला भड़क उठेगी। ओके, तो हमारा सारा सेटअप तैयार है और अब वक्त आ गया है कॉपर एंड जिंक को कॉम्बाइन करके ब्रास इंगट बनाने का। तो ब्रास इंगट बनने के बाद मैंने इसको प्रेस के अंदर टिप के ब्रास शीट बनाई और फाइनली क्राफ्ट किया डिप्लॉयर। तो गाइस, मैंने सारे डिप्लॉयर को वुड फार्म के साथ जोड़ दिया है, एंड अब हमें सिर्फ ये तय करना है कि कौन सा डिप्लॉयर कौन से सैपलिंग को बोएगा और हमारा काम खत्म। तो गाइस, आपके सामने पेश है ऑटोमेटिक वुड फार्म जो कि ऑटोमेटिक पेड़ काटेगा और उसको उगाएगा। एंड आगे जाके मैं इसको इस तरीके से अपडेट करूंगा जिसमें मिली हुई सारी लकड़ियां, सारे वुड और सारे एप्पल अलग अलग सेस्ट में जाएंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पर पावर के दो मेन सोर्स यानी कि पानी और आग दोनों से ही पावर लेने की ट्राई की है, और अनलकीली उसमें से ज्यादा पावर नहीं मिली, और इसीलिए अब मैं मदद लेने वाला हूँ पावर के एक और सोर्स यानी कि हवा की। तो गाइस, तैयार हो जाइए मेरे आज तक के सबसे बड़े भीड़ को देखने के लिए। ओके गाइस, तो बड़ी ही मेहनत के बाद हमारी पवन चक्की हमारा पावर का सोर्स तैयार है, और इसे बनाने में बहुत ही वक्त लग गया, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस, अब हमारे पास पावर का एक बड़ा सोर्स आ गया है, यानी कि अब हम बड़े बड़े बिल्ड बिना रुके बना सकते हैं। तो वो सारे बिल्ड कौन कौन से हो गए उसको देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट टू के लिए, और पार्ट टू के लिए मैं इस बार कोई भी लाइक एम नहीं रख रहा। तो गाइस, हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए है 50 डेज इन क्रिएट मोड, और इसी बात पे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो करना है वो करो।